नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राष्ट्रीय जनता दल में दो फार हो चुका है, लालू यादव के दोनों ही बेटे की राहें अलग हो गई है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक भाई वीरेंद्र जी हैं। भाई वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्या हो रहा है आरजेडी में? धन्यवाद आपको। आरजेडी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल दिख तो नहीं रहा है ना, तेज प्रताप अलग राह बना चुके। आप जितना भी प्रचार कर लें आप मीडिया वाले, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल इज लालू यादव, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोगों ने विधायक दल का नेता चुना है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस पर मोहर डाला है और बिहार के नेता वो हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ये राबड़ी देवी जी हमारी नेत्री हैं। इसके अलावा कौन क्या बोलता है इसका हम ये नहीं करते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू राबड़ी का फोटो लगा करके वोट मांगेंगे, तेजस्वी यादव भी लालू राबड़ी का फोटो लगा करके वोट मांगेंगे, तो वोट का बंटवारा तो होगा ना दोनों भाई अगर? अरे भाई, ये धन का बंटवारा नहीं ना है, ये वोट का मामला है। वोट के नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद, जब धन का बंटवारा होगा तो वो अपना लोग बांटेगा, उसमें हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन ये तो वोट का सिद्धांतों की लड़ाई है ना, सिद्धांत की लड़ाई में भाई वीरेंद्र भी राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में खून पसीना एक किया है, जेल गया है और लड़ाई लड़ा है धरती पर। जो लड़ाई नहीं लड़ता है वही आदमी अपने आप को नेता घोषित करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तेज प्रताप यादव का सीधा आरोप है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो दो भाइयों को लड़ा रहे हैं। अब सवाल है कि अगर उनको इस समझ में आ रहा है तो उनको खुद लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और उन लोगों को ठीक करना चाहिए जो लड़ाई लड़वा रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। अगर इतना दिमाग में है कि दो भाइयों को लड़वा रहा है तो वो नहीं लड़े लोग, अच्छी बात है। मतलब तेज प्रताप यादव को पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं मानते, नहीं मानते कि वोट कटेगा पार्टी का? नहीं, कोई चुनौती नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब आदरणीय लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी और का पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। तेज प्रताप यादव कहाँ गए? वो भी तो आपके पार्टी के विधायक है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। बार बार क्या बोलवाना चाहते हैं, बोलिए वही बोल देते हैं। बार बार क्या बोलवाना चाहते हैं, ये पारिवारिक मामला है, कल सलट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब तो देखिये, ये थे भाई वीरेंद्र जिनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पार्टी में, ऑल इज वेल हो जाएगा, पारिवारिक मामला है, इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।